स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। आज है 21 तारीख और अभी 8:40 हो रहा है सुबह का, और सुबह का मौसम कुछ ऐसा कि चारों तरफ बादल बादल घिरे हुए हैं। आप लोग को बाहर का दिखा देते हैं मौसम। मौसम ये है कि मौसम आज का एकदम बढ़िया है, अच्छा है, और बारिश का मौसम है। कल रात में तो इतना पानी बरस गया था यहाँ पे कि इस गली में पानी भर गया था, उस गली में, उस वाली गली में पूरा पानी एकदम लपालप था। तो रात में तो वही लगभग 11-11:30 बजे ले बहुत पानी बरसा था, तो गली पूरी भर गई थी, जिससे लोगों को परेशानी भी हुई है। तो अभी दो अपडेट है आपके लिए। एक बहुत ही खुशी का दिन है आज हमारे लिए, और बात क्या है कि अभी हम जाने वाले हैं बैंक। और बैंक किस लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक तो फेसबुक का जो रील्स का है उसका चैनल वो मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइजेशन के लिए मेल आया है हमारे पास, तो उसके लिए हमको स्विफ्ट कोड चाहिए, जो हमारे पास नहीं है उस बैंक से ही मिलेगा। तो बैंक में चल के वो स्विफ्ट कोड पता करते हैं, ताकि वो फॉर्म को हम भर सकें और भाई कुछ अर्निंग कर सकें। और दूसरा है कि हमको DD बनवाना है, हमारे कॉलेज में लगा है डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं DD, उसको भी बनवा लेंगे इसी लगे हाथ। उसको भी जमा करना है और 2 तारीख के पहले उसको जमा कर देना है, क्योंकि फॉर्म भी बनाना है स्कॉलरशिप का। तो अभी ये बैंक चलेंगे लगभग 10 बजे, तो 10 बजे आप लोग को दिखाएंगे। मौसम तो एकदम मतलब पानी वाला हो गया है, और बाहर मौसम जान लो कि एक नंबर है, और पानी न बरसे भगवान आज। तो मेन काम तो आज ये खुशी का दिन ही है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया भाई। और अभी चलते हैं, मम्मी लोग को बताते हैं कि हाँ चैनल मोनेटाइज हो गया, अब उससे पैसा आएगा, हम भी पैसा कमाएंगे, तो देखते हैं उन लोग का रिएक्शन कैसा आता है। तो भाई बाकी लोग जो चैनल पे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और फेसबुक का लिंक दे देंगे, उस पर जाके हमको फॉलो कर लेना। तो फिर चलते हैं, मम्मी लोग का रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है उन लोग को। ओए ओए बेटू, ए बेटू बताई बताई कुछ खबरी, जो वीडियो बनाई ना वो मोनेटाइज हो गया है, ओकरे लिए स्विफ्ट कोड चाहिए, अब वो पैसा आई के बनाए तो ओके खाली बैंक जाए पड़ी। अरे बस तू देखा कैसे, हां ये हमारी नानी है और ये दादी अम्मा। दादी अम्मा कुछ बोलो, ओकरे लिए पहले बैंक जाए पड़ी, तो जाए तो स्विफ्ट कोड चाहिए ओका डायरी में ना, तो फिर जो हम वीडियो बनाए बनाए डाओ तो ओका कुछ कुछ पैसा आई। चला ठीक है भैया, ये ठीक अच्छी बात ही है। हाँ नानी कुछ कहा ही चाहे तो, अरे मांगा तो भाई पैसा दे, अब का कही नाती क्या कही, पैसा वैसा दिए। हाँ देंगे हैं देंगे हैं अम्मा चलेगी। तो बाकी हमारे नानी लोग थे, हम बूढ़ी दादी लोग, और बेटू हमारा कहाँ गया, बेटू कहाँ गया, बेटू बाहर गया है, तो अभी चलते हैं अपने रूम पे। तो भाई रिएक्शन तो देखे होंगे आप लोग, इतना बढ़िया इतना शानदार सब लोग थे, उसे वहीं पे सब लोग बैठे थे, तो हमने सोचा कि सबको दिखा देते हैं। मेरी नानी भी आई हुई हैं, तो घर में कल पूजा उजा था, तो नानी भी आई हुई हैं और दादी भी थी, और मम्मी को हमारे देख ली, मम्मी भी थी, तो सब लोग खुश हैं भाई। और सपोर्ट करो यार, जितना सपोर्ट करोगे जान लो दिल गदगद हो जाएगा। मेरे भाई का शादी भी है, तो उसका डेट अभी नहीं बताएंगे, और बताएंगे उसकी शादी भी है, उस शादी में धमाल मचाना है। तो अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी चल रहे हैं नहा धो लेते हैं, नहा धो के रेडी हो जाएंगे, खाना पीना खा के फिर हम चलेंगे बैंक, फिर बैंक से चलते समय आपको मिलेंगे। तो अभी हम नहर की तरफ आए थे, और नहर की तरफ आके देखते हैं तो एक भाई पोपट हो गया है, यहाँ पे बहुत भारी नुकसान होने वाला है लोगों का। अब ये नहर देख सकते हैं, ये जो नहर है नहर टूट गई है, और नहर टूट के साला पानी जा रहा है उस पार है, उस पार जो खेतों में है, खेत में जाएगा तो नुकसान करेगा ये। बाकी ये नहर देखो पास से दिखा देते हैं, ये टूट गई है यहाँ पे। अब ये नहर विभाग वाले आएंगे इसको बांधेंगे, और इस समय बारिश का मौसम है तो नहर भी इतना उफान पे चल रही है भाई, काम नहीं है पानी का, तब भी उफान पे चल रही है, और जब काम रहता है ना तो पानी आता ही नहीं है नहर में।
और ये तो पोजीशन है यहाँ पे, अब पानी का काम नहीं है, इतनी उफान पे नहर चल रही है, एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से इतना भर के दे रहे हैं कि पानी नहर के इस पार उस पार जा रहा है। अभी हम लोग दिखाए थे वहाँ पे भी, रोड पे भी पूरा पानी भर गया है, और यहाँ पे भी देखिए नहर टूट गया है, नहर से पानी इधर जा रहा है। जब जरूरत रहती है तो इतना पानी नहीं देते हैं, जब जरूरत नहीं रहती ना इतना पानी दे देते हैं, इतना पानी देते हैं आम लोग परेशान हो जाते हैं भाई, तो इसके लिए भी सोचना चाहिए। बाकी ये नहर विभाग वाले अगर देख रहे हैं तो आके इसको बांध दे, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बाकी अपना काम था दिखाना, अब यहाँ से हम चल रहे हैं भाई, अकेले का बस का नहीं है इसको बांधना, बहुत भारी है यहाँ पे, और अब घर चलेंगे, अब नहाना वहाना भी है, नहावा देते हैं, ये बैंक भी जाना है आप लोगों को बताया। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम इस समय हैं अमित भाई की दुकान पे, ये अमित भाई हैं और मंजय, बैंक में आए थे सुबह और एक बार चले गए 1 बजे, फिर आए दोबारा 3 बजे देने के लिए बोला था, तो अभी हम अपना DD बनवाने के लिए आए थे, ये मिल गया है, और स्विफ्ट कोड भी लेने आए थे तो वो तो मिल गया भाई, वो भी मिल गया और चैनल पर लगा दिया है, मोनेटाइज हो गया है चैनल, तो अब यहाँ से अब चलने वाले हैं, 10-15 मिनट में यहाँ से चल देंगे, बाकी ये छोटे फिर चलते हैं घर, तो घर पे मिलते हैं, फिर घर पे दिखाते हैं आप लोग को। तो अभी शाम के 5:30 बजे हैं और हम घर आ चुके हैं, और इस समय हम चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं पानी में चारों तरफ पानी पानी है, एकदम चारों तरफ, मतलब नहर से बह गया पानी, रोड पे आ गया है, गांव में गांव डूबने वाला है लगभग, ये इधर तो पानी पानी है पूरा, और इधर ये मंजे भाई का घर वहां तक पूरा पानी है, और उधर पूरा पानी है, चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पानी पानी है। अभी शाहपुर मोहन नगर का सीन कुछ ऐसा है कि भाई चारों तरफ पानी पानी, इधर देखो पानी, इधर नहर है, तनार तो है ये, और इसको देखो बांधा गया है, नहीं अगर इसको खोल देते तो यही गली बची है थोड़ा बहुत, नहीं तो पूरा भर जाता, बाकी उधर की गली दो गली तो एकदम पूरा भर गया है भाई, और इसमें बहुत ही मतलब दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है गाँव वालों का, और खेतों में भी पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, तो अभी राजस्व विभाग पर शिकायत की गई है, देखो कब तक ठीक कर देते हैं ये लोग। अभी रात के लगभग 7:30 बज रहे हैं और ये वाली गली बची थी, अब पानी आप देख सकते हैं यहाँ से पता नहीं कहाँ से बोर होके आ रहा है, और ये थाला तो बंधा ही है, अब पानी यहाँ से आ रहा है भाई, बहुत जोरों से पानी जा रहा है, ऐसे अगर पानी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में ये भी भर जाएगा, ये गांव डूब जाएगा। और हमारे राजकुमार भाई आते हुए अब कुछ जुगाड़ बताएंगे क्या करना पड़ेगा। बाकी इतने लोग देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, हमारी भाभी भी आई है, इस समय हमारे चाचा भी आ गए हैं ड्यूटी से अपना, अब ये पानी अपनी गाड़ी को तैराते हुए लेके जाएंगे, देखो कैसे निकलते हैं, बाकी इतने टार्च यहाँ जलाते हुए लोग आ रहे हैं, भीड़ों को जमाव हो रहा है यहाँ पे, और ये हमारे अंगद चना चबाते हुए अब आ गए हैं, हमारे दादा साहेब वो बांधेंगे इसको, बड़ी मेहनत करेंगे, मंजू दीदी और लेते आओ चाचे, इतना तेज बादल गरज रहा है बहुत ज्यादा, मतलब एक बार तो ऐसा गिरा बादल गरजा बिजली, लगा कि पासे में गिरा, और कहीं पासे में गिरा था भाई, और बहुत डर लग रहा था तो अंदर घर में चले आए। तो बाकी ये बाढ़ का मौसम है, पानी अभी भी कम नहीं हुआ, उसको फोन करके बोला गया पानी नहीं कम किया है, और पानी नहर के ऊपर से पूरे गाँव में पानी आ गया है, तो देखते हैं कल कैसा क्या सीन रहता है, कल का कल दिखाते हैं आप लोग को। बाकी
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जाके फेसबुक पेज वो भी सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना हम लोग को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।